रणबीर कपूर के लिए फ्लर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके फ्लर्ट करने की आदत का मजाक अब उनके पेरेंट्स के लिए बड़ी बात बनता जा रहा है, क्योंकि आईफा फिल्म फेस्टिवल में रणबीर का खूब उड़ाया गया मजाक, वो भी ऋषि कपूर के सामने। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म फेस्टिवल के बीच में एक क्लिप दिखाई गई, जिसमें रितेश देशमुख ने रणबीर कपूर की तरह टॉवल पहना हुआ था और वो ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऋषि कपूर को आग इस बात से लगी कि एक एक करके कुछ लड़कियां रणबीर के पीछे भाग रही थीं, जिन्होंने दीपिका, कटरीना और प्रियंका के मास्क पहने रखे थे। इस एक्ट को देखकर सभी खिलखिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन ऋषि कपूर को गुस्सा आ रहा था, पर वो चुपचाप देखते रहे क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वैसे रणबीर कपूर का जब करण के चाचो में मजाक उड़ाया गया था तो ऋषि कपूर जमकर भड़के थे। उन्होंने सोनम और दीपिका को खरी खोटी सुनाई भी थी, लेकिन वो इस बार बिल्कुल चुप रहे। अब कुछ दिन बाद वो मीडिया में इस मजाक को लेकर अपनी भड़ास निकाल दे तो बात अलग है, लेकिन इन सब बातों से रणबीर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी फैमिली को एम्बैरस्ड फील करना पड़ता है। जब ये सब खबरें आते हैं पेपर्स में बुरा लगता है, you know, I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं hide नहीं करूँगा। रोज मैं अपने आप यू नो अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। रणबीर, अब तो आप और आपके फादर को बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।